शैला बहन जी, मैंने नथु से आपके फेवरेट नमकीन मंगवाए लंदन ले जाने के लिए। चंगा किता तोशी। यार नीलू, तेरा ध्यान कहाँ होता है यार, चाय में शक्कर ही नहीं है। चीनी है उसमें। अरे है ही नहीं इसमें। इतनी मिलेगी, पीनी तो पियो, नहीं तो पानी पियो। अजीब जबरदस्ती है यार ये, प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? पिल किसकी खत्म हुई है? डॉक्टर के पास किसको जाना है? वो सब याद नहीं रहेगा आपको, लेकिन आपको चीनी जरूर याद आएगी। आंखों में एक तो इन्फेक्शन हो गया है, सुबह ड्रॉप्स डालने में भी कितना हंगामा किया आपने। अरे मेरी माँ, चले जाऊंगा डॉक्टर के पास, फिलहाल तो दे दे शक्कर। नहीं मिलेगी रमन, बोल दिया, फाइनल। घड़वी पूरे घर में सबको कड़वा करके रखेंगे। मम्मी, शिमी दी का है, ब्रेकफास्ट ही करना होगा। उसने बोला है कि वो बाद में खाएगी। मैं शिमी से बात करके आ रहा हूँ। सीख मदरसे में शक्कर डाल उसमें। अच्छा भाभी, मादी को साइंस क्लास के लिए छोड़ने जाता हूँ, ठीक है? नहीं करना मन नहीं है भाई, पूरी रात सोच रही थी। फिर भी मन को थोड़ी सी तसल्ली देगी तो सब ठीक हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है सोच के कि क्यों लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि उनकी जिंदगी एक आदमी के साथ बंधी हुई है। परम से डिवोर्स हुआ तो सुप्पू आ गया और अब सुप्पू के साथ ये सब। भाई मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपने बारे में सोचूं, बिना किसी के, सिर्फ अपने बारे में। और मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, बस डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। इसीलिए तो आया, ये देख डायरेक्शन। वुमन एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस वुमन बनने के तरीके। भाई मैंने तो आज तक कोई जॉब भी नहीं की है, तो ये बिजनेस वुमन, आई थिंक मैं तो कोई छोटी मोटी जॉब कर लूंगी, कोई टीचिंग टूचिंग टाइप्स। टीचिंग टूचिंग टाइप्स तो बिल्कुल मेरे जैसी, हम जैसे लोगों में बिजनेस करने की टैलेंट इनबॉर्न होती है, सोच के देख। सच्ची भाई, तुझे लगता है मैं कर पाऊंगी? मुझे तो लगता है, और वैसे तो जो भी सोचे मैं तेरे साथ। रमन, मिहिर का फोन आ रहा था। हाँ मीर, बोल। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मीका को साथ ले आऊंगा। सुन, मेरी एक मीटिंग प्रीपोन होगी, तू सोच, तुम निकल। अरे डॉक्टर के पास जाना है ना आपको? अरे मेरे पास टाइम नहीं होगा, तुम चली जाओ ना, प्रिस्क्रिप्शन है तुम्हारे पास ना? मैं पेशेंट हूँ क्या रमन? तुम मोर पेशेंट हो, दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। चले जाऊंगा मैं। कब जाओगे? अरे टाइम लगेगा तब चले जाऊंगा। इनका भी कोई इलाज नहीं। हाँ क्या हुआ? भाई ने जो बोला, तुझे लगता है मतलब इस उम्र में मुझसे ये सब काम वाम होगा? कौन सी उम्र है तुम्हारी? जिंदगी में ना न जाने लोग कौन कौन सी उम्र में जाके क्या क्या शुरू करते हैं। तुम्हारे तो कोई उम्र ही नहीं हुई है अभी। जिंदगी जीने के लिए ना कोई उम्र की जरूरत नहीं होती, कभी भी जीना शुरू कर सकती है। हाँ एक्चुअली मुझे सोचना चाहिए इस बारे में। भाई आ रहा ना शाम को, उसके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं क्लिनिक जा रही हूँ, पर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है ना, मैं पेशेंट हूँ डायबिटीज के लिए, जैसे कि खैर शाम को हम बात करेंगे इस बारे में। मैडम, डॉक्टर साहब ओटी में आपको तो वेट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, नो वरीज, थैंक यू। देखिए वो बहुत टाइम से मिसिंग है, मैं उनका फैमिली मेंबर हूँ। सर प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, हॉस्पिटल के रूल्स होते हैं, हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। आप प्लीज शोर मत मचाइए, ये क्लिनिक है। मुझे पता है ये क्लिनिक है और मैं एक ACP हूं। देखिए मैंने आपको एक फोटो दिखाई, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इनकी जॉब प्रोफाइल चेक कीजिए। उसने यहाँ इतने दिन काम किया, अरे काम छोड़ने से पहले कुछ तो नाम नंबर कोई एड्रेस तो छोड़ा होगा ना, आपके पास डिटेल्स कैसे नहीं है? जो फोटो आप दिखा रहे हैं वो हमारे रिकॉर्ड में है, मगर वो जो नाम आप बोल रहे हैं वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, कोई दूसरा नाम है। मैं हमारे किसी एक्स एम्प्लॉय की डिटेल्स आपको कैसे दे दूं? हाय अभिषेक। हाय। हाय इशिता जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हो गया? आज मैं पुलिस के काम से नहीं, अपने पर्सनल केस को सॉल्व करने के लिए आया था, लेकिन ये लोग कुछ बताते ही नहीं है। क्या हुआ, कैसा केस? जी मेरी एक कजन है, यहाँ काम करती थी,
लेकिन इनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। I can't believe that. हुआ क्या है तुम्हारी कजिन को? वो एक लड़के के साथ इन्वॉल्व हो गई थी और he treated her very badly. उसने बहुत दर्द देखा है। उसके बाद उसने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया सबके साथ। सब लोग परेशान हैं, मेरी फैमिली, हम लोग सब। I mean, where could she go? जानती है, वो मेरी कजन तो है ही है, लेकिन मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड भी है। जब मैं दिल्ली से बाहर गया था ट्रेनिंग के लिए, she was always there for me. और जब वापस आया तो she was nowhere to be found. तनी कहाँ चली गई? और वही ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन ये लोग। Don't worry, Abhishek. तुम्हें तो जरूर मिल जाएगी, I'm very sure. You are so efficient. मिलेगी, जरूर मिलेगी। और उसके साथ वो लड़का भी मिलेगा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद अभिषेक सिंह इंसाफ करेगा उसके साथ। मैडम, जी मैं आती हूँ। डोंट वरी अभिषेक, यू कीप काम, ढूंढते रहो। अरे एक काम क्यों नहीं करते हो, अगर वो लड़की हॉस्पिटल लाइन में ही थी, आई मीन तुम्हारी कजन, इफ शी इज इन द सेम लाइन, तो उसका फोटो डिटेल्स ये सब मुझे दे दो ना, मैं अपने कलीग्स वगैरह से पूछूंगी, हो सकता है कोई क्लू मिले। ओके, या थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू। हां जी, ओके, बाय। कहां हो तुम सारे का, और कहां है वो लड़का जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया? कैसा बंदा है मोंटी यार, कैसी कैसी फोटो खींचता है रे, बेवकूफ ना रहते। रूबी पुत्र, एक ये किसकी फोटो देख रहा है? किसी की नहीं मम्मी जी, पहले बता, सारिका की फोटो देख रहा है ना? देख लिया मैंने मम्मी जी, उसे ढूंढ रहा हूँ तो उसकी फोटो तो रखूंगा फोन में। तो इतना परेशान क्यों है पुत्र? हाँ मम्मी जी, परेशान नहीं हूँ तो क्या हूँ, तो कभी कभी सोचता हूँ कि उसको मैंने अपनी लाइफ से जाने क्यों दिया, बहुत गलत किया मैंने उसका मम्मी जी। कोई गल नहीं, तू तो अपना दिल छोटा ना कर, एक ना एक दिन मिल जानी, आज नहीं तो कल। तू अकेला ढूंढ रहा है ना चुपचाप, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। भाई को ओ ना ना पुत्र, फिर तो सारी फैमिली हमसे नाराज हो जाएगी, ये बात जो है ना हम दोनों के दरमियान ही रहने दे, और जब मिल जाएगी ना तो फिर हम बता देंगे कि हम उसे क्यों ढूंढ रहे थे, ठीक है? ओ दोषी, जरा एक मिनट इधर तो आना। आई बहन जी। गल सुन, इस वेले ना सारी का बारे अपना मुंह बंद ही रखी जरा। आ गई भाई। ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन मिस्टर भल्ला, बहुत अच्छा था। हाँ, I must have. Very well. Looks good on paper, Mr. Bhalla. Yes, presentation बहुत अच्छा था। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप प्रॉफिट्स अचीव कर पाएंगे? वैसे जाकर इस बात की क्या गारंटी है कि आपने कभी नुकसान का सौदा नहीं किया? I mean, आप एक सोचो बिजनेसमैन है, आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो सोच समझ के किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप एक लूजर हैं, किसी भी कंपनी में अपने पैसे लगा लेंगे। हम पे भरोसा किया है तो भरोसा ये भी करके देख लीजिए कि आपके रिटर्न्स आपको सही वक्त पे मिल जाएंगे। Excuse me, I have some very good news. US के जो Thompson Brothers की कंपनी है, उनका मॉल वाला प्रोजेक्ट हमें मिल गया। भाई अभी उनका फोन आया था। They were really impressed with our marketing team's presentation. In fact, उन्होंने specially बोला है कि we were the best company and we did a brilliant job. और हमारी marketing team head कर रही थी Mika Iyer. Please give it up for Mika Iyer. She did a fantastic job and this is a big project for all of us. So, Mr. Jakhar, अब भी और कोई गारंटी चाहिए? कहें तो Thompson Brothers से कहें आपको भी एक ईमेल कर दें।